हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बनाने बैठा था एक बिलियर्ड, और ये बिलियर्ड तकरीबन बनकर रेडी हो चुकी है। बस इसके पॉकेट रहते हैं और इसकी जो है वो स्टिक्स बनाने वाले रहते हैं। और स्टिक्स बनाने के लिए गाइस यार मैं बना रहा हूँ एक सादा सी सिंपल सी लेथ मशीन, जिसके लिए हमने यहाँ पर जो है वो एक ड्रिल है, इसे अभी हम लगाएंगे यहाँ पे अच्छी तरह से बांध देंगे। और यहाँ पर है इसका टेल स्टॉक जो कि इस लकड़ी को यहाँ से पकड़ेगा। तो गाइस यार चलिए आपके सामने इसे बनाते हैं, क्या लगता है आपको ये वर्क करेगा भी कि नहीं। सादा सी बनाएंगे बिल्कुल, ज्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसके साथ। और इसके टेल स्टॉक को दोनों टायर एक बोल्ट की मदद से बनाया, जिसके आगे कील वेल्ड किया है। तो जल्दी से गाइस इसे यहाँ पर और यहाँ यहाँ कील लगाते हैं। तो गाइस यार आप देख सकते हो इतना हिलाने पर भी हमारी ड्रिल जो है वो नहीं हिल रही है, इसका मतलब है ये मजबूती से टाइट हो गया। अब बारी है टेल स्टॉक को उसकी जगह पर लगाने की, फिक्स करने की। तो इसे भी इसकी जगह पर जल्दी से सेट करते हैं और जल्दी से अपनी जो है स्टिक्स बनाते हैं। यार तो गाइस यार टेल स्टॉक को तो हमने लगा लिया, अभी ये बोल्ट को जल्दी से टाइट कर देते हैं ताकि ये लकड़ी को मजबूती से पकड़ ले। अभी बारी है इसको घुमाकर चेक करने की कि वाकई में जो लकड़ी है वो एक्यूरेट टाइट हो चुकी है हमारी जो लेथ मशीन है उसमें। तो गाइस यार ये हो चुकी है, तो अभी इसे चला के देखते हैं। तो गाइस यार आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो घूम रही है। तो गाइस यार आप देख सकते हो हमारी जो है वो लेथ मशीन ने कितने अच्छे तरीके से काम किया, और आप स्टिक पे सफाई देख सकते हो कितनी अच्छी सफाई आई है। तो हमारी स्टिक बन के रेडी है, अभी जल्दी से मैं स्नोकर टेबल को पूरा करता हूँ, उस पर एक गेम लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।